How's that? Okay. क्या दोस्त है आपकी? डॉक्टर वो अपने अंजुम भाई की मिसेस। हम अपनी मर्जी से नहीं ना एम्बुलेंस ले चल पड़े। नहीं नहीं टाइम मैंने बता दिया आपको, रात को टाइम डिसाइड हुआ, अंजुम भाई से मैंने टाइम डिसाइड किया, आपको मैंने बोल दिया 10:30 बजे आना, आपने आप पहुँच रहे 12 बजे। बीस तारीख को हुई है तो आज 21 तारीख को इसको दफनाया गया है, तो आज तकरीबन 6 दिन के बाद इसकी जो डेड बॉडी वो निकाली जा रही है। तो इसके जिस्म पर जब गुसल देने लगे तो इसके जिस्म पर निशान थे, एक पैर जो था, पाँव जो था, पाँव का छतरा जो जला हुआ था, प्रेस लगाई है तब भी, या कहीं लकड़ी से जलाया है, वो पाँव भी जला हुआ है, बाकी जिस्म पर ज़ख्म थे। तो जब गुसल देने लगे तो उसकी मदर इन लॉ को पूछा, भाई ये क्या बात हो, आप कह रहे हो कि इसको किसी ने पीटा नहीं, को कुछ नहीं, ये बात बता क्या हुआ इसको। वो कहने लगी कोई पता नहीं, उसको पूरे गांव वालों का यही है कि कोई पता नहीं, ये लफ्ज़ बोल रहे हैं कोई पता नहीं। तो उसके बाद जब गुसल दे दिया, ये तकरीबन 9:30 रात का वाकया है, तो फिर मैंने सुबह डॉक्टर साहब को फ़ोन किया कि आपने ये इसको लड़की के क्या क्या लिखा हुआ है पोस्टमार्टम में, किस चीज़ का आपने किया, क्या क्या किया। उन्होंने कहा कि हमने जो पॉइजन का है वो किया है। मैंने कहा खीरे जनाब अली जिस को गल नहीं देना कि जनाब अली ने बहुत तसीहे दी थे उसकी और बहुत तंग रही थे, जबकि एक दो दफा माड़े को आई फरियाद लाए अभी डैडी माड़े को जमीन मंगने ते 10 लाख रुपया मंगने, तो मैं आख्या जनाब माड़े को नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ कुछ दें, और जनाब गुजारिश करना जो बच्चियों की पालो, बच्चियों की पालसो तो तुम पोस्टर मिल सकते बच्चियों की, बच्चियों ने यह तक ही कहा था बच्चियों की मर्डर करके सटी छोड़ने का, कोई पूछना ही नहीं करना कि जनाब कोई उसने इस तरह ने कोई वाला ही नहीं, कोई चाहना गरीब आदमी ने चलाया था कोई आई नहीं था ना कि घर जनाब अली बोल चाल घर भी तो होनी होनी है, ये तो हर बंद पहले दो दफा आई माड़े घर ते मैं मोड़ी भेजी छोड़ना रहा, मैं आख्या अज समझी जा कल समझ गया, दो दफा आई टोटल, उस तू बाद जिसलै मुल्क खत्म की तो उस तू बाद ही आँदी है। जनाब अगर विचार